सो गाइस वेलकम बैक। हम लोग खेलने वाले हैं आज न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच। फर्स्ट टाइम मैं खेल रहा हूँ मेरे चैनल में। टूर्नामेंट मैंने खेला था जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं एज वर्सेस सेथ फ्रिकेट रॉलिंस, जो कि मुझे उम्मीद है कि यही मैच होने वाला है। कौन सा अरीना लिया जाए भाई, ये अभी दिक्कत है। अरीना किंग ऑफ द रिंग ले ले भाई, क्या कहते हो? या फिर छोड़ो, दूसरा क्यों अरीना लेता हूँ मैं। कौन सा लिया जाए अपने एज और सेथ फ्रिकिन रॉलेंस के लिए? समर स्लैम का ले लूँ, चलो वॉर गेम्स का लेते हैं। बहुत टाइम हो गया मैंने ये अरीना देखा ही नहीं है। तो भाई मैं किसे लूँ, एज या फिर सेथ? अरे सेथ आया था तो मैं सेथ को लूँगा। बीच में सेथ आ गया था तो मैं सेथ फ्रिकिन रॉलेंस को लेने वाला हूँ, ठीक है। और मेरे अपोनेंट रहने वाले द रेटर ऑफ सुपर स्टार द अल्टीमेट अपॉर्चुनिस्ट एज। एंट्रेंस ऑफ कर देते हैं, एंट्रेंस बहुत टाइम हो गया मैंने डाला नहीं है तो मैं वो भी डालूंगा, ठीक है। न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, ये रहा। शुरू किया जाए मैच, तो ये होने जा रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एज वर्सेस सेथ, और रियल में आपको क्या लगता है नाइट्स ऑफ चैंपियंस में किसका मैच होने वाला है, कमेंट करके बताओ। सेथ का तो होने वाला है, मैं सेथ बना हूँ। मेरा अपोनेंट है द रिटर्न ऑफ सुपरस्टार एज। दोनों के पास रेजिलेंसी है, देखते हैं कौन जीतेगा। और मेरा 2K23 में रोमन का रेंज तो चल ही रहा है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। मैं रोमन से कभी हार रहा ही नहीं हूँ। कभी भी मैं अपना बेल्ट डिफेंड करता हूँ, 1-on-1 रोमन से कोई जीत ही नहीं पा रहा, यानी कि मैं रोमन मानता हूँ, मुझे कोई हरा ही नहीं पाता। सारे लोग मुझे एक्नॉलेज कर रहे, जितने भी लोग हैं अपने लिस्ट में सारे को मैं डोमिनेट कर रहा हूँ भाई। आपको ये दिमाग में कौन है मुझे कमेंट करके बताना। अभी मुझे सबसे जीतना है यहाँ पे। रियल में इनका बहुत ही तगड़ा राइवलरी था। रिवर्स कर सेथ, क्या कर रहा है? एज का अटैक बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। रिवर्स क्या मैंने यार, सेथ के नए बाल दे देते तो भी और अच्छा रहता। हाईलाइट जो किया सेथ ने, वैसे मैं मोर तो डालूंगा जब भी टाइम मिलेगा। अभी मैं बहुत सारे गेम्स खेल रहा हूँ, जैसे कि क्वेरी हो गया, स्पाइडरमैन, GTA 5, साइबर पंक, एवेंजर्स, बहुत सारे गेम्स है तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता। और बिना मॉड्स के भी गेम उतना ही अच्छा है। 2K22 में तो मॉड्स के साथ गेम अलग ही बन गया था, पर 2K23 में बिना मॉड्स के गेम बहुत ही स्मूथ चलता है और बहुत ही अच्छा है। ये क्या हुआ भाई, ये मुझे समझ नहीं आया हुआ क्या आखिर तक। पंच किक मारा एज ने मेरे को, बहुत ही ज्यादा अच्छा मैच हो रहा है। ये भी रिवर्स किया, दोनों बहुत ही ज्यादा रिवर्स करते हैं रियल में भी और गेम के अंदर तो वैसे भी करते ही है। मेरा हेल्थ रेड हो चुका है, रिवर्स कर ले भाई। नाइस, पेडिग्री लगा दिया मैंने, सिग्नेचर लगा दिया और पिनफॉल भी कर रहा हूँ साथ में। 1-2 पता ही था मुझे, इतना आसानी से तो नहीं हारने वाला ये एज। सुसाइड डाइव मारा जाए। सेथ रॉलिंस, that is the attitude of a daredevil, the ability to take risk with minimal trepidation, no fear, absolute reckless abandon. Storm ke liye ja raha tha main, par reverse kiya edge ne. Storm pe reverse kiya yaar, channeling his energy to stay in this matchup. Sling blade, and that was taking the attack to the competition with that one. रिवर्सल नहीं आया, बाहर चले गया। एज टॉप रोप से कुछ करने का सोच रहे, रिवर्स किया। क्या ही घुमा हूं मैं, क्या ही रिवर्स किया मैंने। दोनों ही बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मैं भी अच्छा खेल रहा हूँ, एज भी अच्छा खेल रहा है। दोनों का ये बहुत ज़्यादा मैच होता है, मूव्स मारना सब कुछ। टीम स्टेप्स में धकेल दिया,
just like that, Edge evades. Stamina नहीं था मेरे पास, वरना मैं भाग ऊपर भाग जाता अभी. Oh man, well this is a warning to grab our stuff and go. Keep it in the ring, please. Saxton's a very fragile boy. Inverted suplex. Edge भाई, काउंट आउट चालू है. वैसे अगर आपको याद होगा तो यूनिवर्सल चैंपियन सेथ वर्सेस ये था फिन बैलर, वहाँ पे तो सेथ हार गए थे डीमन किंग से, यहाँ पे क्या जीत पाएंगे? रिवर्स किया मैंने, मूव थी फिर मेरे पास, मैंने मूव थी लगा दिया भाई. स्पीयर, ये बात. वन टू, रेजिलिएंसी यूज करा दी, बहुत बढ़िया भाई. मैंने अपना फिनिशर बचा के एज का फिनिशर यूज किया है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है, रेजिलिएंसी यूज करा दिया. सेथ फ्रीक्विन वॉलेंस, वन टू, बहुत ही बढ़िया मैच चालू है यार. और बिल्कुल स्टैमिना नहीं है, थोड़ा स्टाइल मारना पड़ेगा मुझे. बस बस मैं जीत चुका हूँ, एज के पास कोई मौका नहीं है जीतना अभी. नया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन एज बस बनने वाले है, थोड़ा सा बस टाइम. ये पड़ा स्टॉम्प ऊपर से, गर्दन टूटा भाई. वन टू, माँ कसम ये कैसे किक आउट किया बिना रेजिलेंसी के भाई एज, ये कैसे किक आउट किया? He's able to fend off the attack. Face first. Edge is certainly fucked. Oh! Oh no! Under the floor. I don't care how bold you are. Missing on those kind of moves. बहुत ही ज़्यादा fast है. तो इनसे खेलना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. That was a nasty landing. He steps foot in the ring again. थोड़ा stamina बढ़ाता हूँ मैं भाई. मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो storm से kick out कैसे किया. एज बहुत ज़्यादा टफ फाइट दे चुके हैं मेरे को, पर मैं इन नया चैंपियन बनने वाला हूँ, मेरे पास अभी भी रेजिलेंसी है, मैं एटलीस्ट दो फिनिशर से तो किकआउट कर ही पाऊंगा. लेग डैमेज कर दिया मैंने. अरे भाई एज के पास स्पीयर है, कभी भी दौड़ के लगा सकते स्पीयर. पिनफॉल, पिनफॉल तो वन में किकआउट कर दिया मैंने, रिवर्स नहीं कर पा रहा हूँ. देख रहे हो भाई एच स्पीयर के लिए जा रहे हैं. अरे भाई क्या टाइम में उठाऊं मैं, बहुत ही बुरा हुआ एच के साथ, वो स्पीयर मारने जा रहे थे पर मैं तभी उड़ गया और पेडिग्री लगा दिया भाई. वन टू, ये बात, पेडिग्री से मैं जीता हूँ और मुझे बड़ा मजा आया एच से लड़ने को भाई. एच ने बहुत ही अच्छा फाइट किया पर मुझे सिग्नेचर फिनिशर मार नहीं पाया, इसीलिए हार गए. मैंने बहुत ही दिमाग से खेला पर मुझे अभी तक समझते हैं कि वो सेकंड स्टॉर्म से कैसे किक आउट किया था, पर चलो ठीक है, मैंने एच का मूव थिप भी मार दिया तो ये मैच और भी ज़्यादा एक्साइटिंग हो गया था. तो आपको कैसा लगा मुझे भाई बताओ कमेंट करके, और आपको कौन लगता है कि ये चैंपियनशिप रियल में कौन जीतेगा ये भी बताना. तब तक अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय.